है कुछ एक्सपर्ट्स। हाँ जी, तो डेक्सटर जी क्या हाल है आपके? अभी तक तो नहीं, अच्छा अभी उठा हूँ वैसे, बढ़िया हाल है तबीयत तो। डेक्सटर जी हम यहाँ पे एक चीज करने आए हैं यार, हम सर्वे कर रहे हैं लोगों को, हम एक रिपोर्टर टीम है। अच्छा कौन सी रिपोर्टर टीम? अपने नोट तो निकालो यार कबीर खान, इतनी देर से नोट बना रहे थे, कहाँ गए? हाँ तो डेक्सटर जी हमारा एक रिपोर्टर का काम है, कुछ ये सर्वे कर रहे हैं लोगों से, जिसका नाम है लुंडेश्वर, मतलब नाम है नॉर्मल सा। डेक्सटर जी क्या आप सुन पा रहे हो? सुन पा रहा हूँ। हाँ जी डेक्सटर जी, तो हम एक चीज सर्वे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कभी माइनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो एक चीज़ भूल चुके हैं कि अपनी खुशी का साधन। तो डेक्सटर जी क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि उन्हें बस काम धंधा थोड़ा कम करके अपने अकेलेपन को लोगों से बात करके दूर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल यार, मैं तो इसी चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि उतना ही काम करो जितना नेसेसरी है। हाँ जी हाँ जी, इतना मत करो बिकॉज तुम लोग कोई रोबोट थोड़ी हो, समझ रहे? मतलब सही बात है डॉक्टर जी, रोबोट भी इतना काम नहीं करते हैं, रोबोट को भी जब इतना काम करवाने लगाते हैं तो उसको भी उसका भी तेल निकल जाता है, होता है उसका भी तेल निकल जाता है, तो आप तो इंसान हो यार। सही बात है डॉक्टर जी, आप इतना काम करेंगे तो आप सोचिए कि आप तो तेल भी नहीं जाएगा। सही बात है डॉक्टर जी, एक जिंदगी में एक इंसान बस रोटी खाने के लिए कमाता है, अच्छी बात है, वो अच्छा कमाना चाहिए। अब हमें देखो, हम दिन के $10,000 कमाते हैं पोस्ट ऑफिस करके, उसमें से हम अपना $8,000 हम अपने एनजीओ में यूज करते हैं, सुबह शाम, सुबह 4 रात के 4। डेक्सटर जी के बहुत नेक विचार है कबीर खान, नोट करें जी जी। बाकी हम अपना कॉलेज जाते हैं 11 से 7, वैसे 11 से 5 होता है लेकिन कभी कभी 7 बज जाते तो थोड़ा मस्ती करते दोस्तों में। अरे मस्ती तो क्या ही करेंगे, अब थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिलता। तो हम डेक्सटर जी यही देख रहे हैं, लोग काम में इतना व्यस्त हो जा रहे हैं कि सब ये देखो, आपके सामने नमूना देखो, ये देखो इतना काम कर रहा है कि बेचारे बेहोश हो रहे हैं, देखो गजब बेइज्जती देख सकते हैं। डेक्सटर भाई अभी जीजी को ऐसा बोलोगे आप, ठीक है? वो थोड़ा गलपड़ जाता हूं मैं कभी-कभी, पता है एग्जांपल दे रहे थे एग्जाम, वो फ्लैशेस आते हैं ना तो हमको थोड़ा गलपड़ जाता हूं मैं फ्लैशेस से, वो स्टोरेज फुल हो गई। मतलब कल चल के अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 4 लोग तो चाहिए कंधा देने के लिए। सही बात है डेक्सटर जी, बहुत नेक विचार है। बताओ कल अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपके पोस्टल का मैनेजर आएगा आपके हॉस्पिटल में आपकी आपकी जान चेक करने के लिए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आएगा क्या? कोई पीडी वाला आएगा आपकी जान चेक करने के लिए? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा हॉस्पिटल। सही बात है डेक्सटर भाई, एकदम आपने जो एकदम चीज बोली है ना कबीर खान, नोट कर रहे हो ना आप इसे? बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि आपके मेरे हिसाब से कम बनाओ लेकिन बम बनाओ। सही बात है सही बात है। अरे भाई साहब क्या बात बोल दी भाई साहब, मजा आ गया। हाँ मतलब कम दोस्त बनाओ लेकिन ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी जिंदगी पर साथ दे। सही बात है, एकदम बम की तरह बूम बम। सही बात, मजा आया। तो डॉक्टर जी आपकी बात को सुन के हमें इतना अच्छा लगा, क्योंकि हमने जितने अभी तक सर्वे करा है लोगों का कहना है जस्ट पैसा इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जो भी जाने कि पैसा इम्पोर्टेंट है पर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए यार दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, बंदी भी इम्पोर्टेंट है, बंदी इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है आपकी। अगर धोखा ना दे तो ये बात भी है। अरे लड़की सेम नहीं होती। हाँ जी डॉक्टर भाई को नोट करें बात। हाँ जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर जी, तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हर बंदी सेम नहीं होती है जो आपको धोखा दे दे। तो आप बंदी के लिए क्या राय दोगे? हमें पता चला है हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था राजवीर, तो फिर उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव उसे स्टेप उठाना पड़ा जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। सॉरी नॉर्मल थी। हाँ जी हाँ जी, तो फिर आप इसके लिए क्या कोई बंदा बत कह रहा था कि दोस्त लड़कियां गलत होती है? कौन कह रहा था, मतलब बंदी धोखा देती है? ऐसे तो नहीं कहा, मतलब मैं वही कहूँ कि हर बंदी सेम नहीं होती। धोखा देने की बात किसी ने